प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार खेलों को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प लिया। प्रयागराज में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए धन की नहीं होने पाएगी कमी, यह बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। वो भी था एक तरह स्वर्ण जयंती समारोह में था मेहल का मिसी में मेहल का स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जो योगी जी ने हम लोगों को कोचेज को सम्मानित किया है, प्लेयरों को सम्मानित किया, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। और जो स्पोर्ट्स को योगी जी प्रमोट कर रहे हैं उससे आने वाले दिनों में जितने बच्चे हैं वो सब अपना जी जान लगा के मेहनत करेंगे और उत्तर प्रदेश का नाम डेफिनेटली टॉप मोस्ट मेडलिस्ट में होगा। मेरा नाम दिलीप कुमार त्रिपाठी है, मैं बेसिकली गोरखपुर से हूँ बट मेरे फादर आर्मी में थे, मैं फादर के साथ इधर उधर घूमता रहा था। बट 1990 से लेकर 99 तक मैं मेहल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला हूँ और मैं 7 बार नेशनल चैंपियन जीत चुका हूँ। और करंट जो इंडिया का नंबर 1 और नंबर 2 हैं रमित टंडन एंड सौरभ घोषाल, वो दोनों मेरे ही ट्रेनिंग है कैकड़ा रैकेट क्लब में। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे को तो पहली बार ऐसा सम्मान मिल रहा है प्रयागराज में और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे CM खुद स्पोर्ट्स में इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं और आज की जितनी अनाउंसमेंट्स उन्होंने की है मेरे हिसाब से ये सारी अनाउंसमेंट्स स्पोर्ट्स पीपल को बहुत हेल्प करेंगी। सिटी स्टेट और आई थिंक बाकी पूरे देश को सीखना चाहिए कि जिस हिसाब से हमारे CM का विजन है और वो जिस हिसाब से स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। नाम बता दे अपना। अभिनव सिन्हा, मैं स्क्वॉश खेला करता था, इंडिया के लिए स्क्वॉश खेला और अभी